सभी साथियों को राम राम। आज मैं जा रहा हूं अपने गांव, और ये है तहसील सरमथुरा से गांव मानपुरा का रास्ता। कैसा लग रहा हूं मैं, बता तो दो यारो। ये रास्ता है जो तहसील सरमथुरा से गांव मानपुरा के लिए जाता है। इस रास्ते की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। ये डांग क्षेत्र है धौलपुर जिले का, और मैं अपने परिवार के साथ आज अपने गांव की तरफ जा रहा हूं, तो सोचा कि आपको अपने गांव का रास्ता दिखा दूं। सुनसान रास्ता है और बबूल और पत्थर के अलावा यहां आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। दूर तक आप नज़र डालिए, खाली ज़मीन है, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और इन रास्तों पर चलने में एक अलग ही आनंद आता है। खाली रास्ते हैं, आप यहाँ अपनी गाड़ी के साथ हवा से बातें करते हुए चल सकते हैं। तो चलते रहिए और देखते रहिए इन रास्तों को। ये धौलपुर जिले का एक छोटा सा गांव है मानपुरा। यहाँ पर खनन कार्य सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय पत्थर की खाने हैं। कुछ समय पहले तक जिस किसान की जमीन में पत्थर की खान होती थी, उस खान पर उस किसान का अधिकार होता था, परंतु कुछ समय से सरकार ने इन खानों को अपने अधिपत्य में ले लिया है, और वो खान किसी भी जमीन में निकले उस पर सरकार का अधिकार होता है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों के लिए खाने पीने की काफ़ी समस्या आ गई है। खेती कुछ है नहीं, सिर्फ पत्थर के ऊपर जी रहे हैं। ये कच्चा रास्ता देखना, ये मुख्य रास्ते से हटकर मुख्य रास्ता जो पक्का था, डावर का था, वो जा रहा था सोने का गुर्जा, वहाँ से कटा ये रास्ता और ये मेरे गाँव की तरफ जा रहा है। कच्चा है ये, काफ़ी समय से कच्चा ही पड़ा हुआ है। काफ़ी लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा है जो कच्चा है। सरकार को काफ़ी कई बार कहा गया इसको पक्का करने के लिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया इसके ऊपर। और ये मैं धीरे धीरे मेरे गांव की तरफ, मुझे मेरे गांव की खुशबू आ रही है, और ये अब मेरे गांव के अंदर हम घुस रहे हैं जहाँ से ये पक्का रास्ता शुरू हो रहा है, थोड़ा सा एरिया। और ये पतला सा रास्ता मेरे गाँव की तरफ जा रहा है। अभी तक आपको गांव दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया हुआ, लेकिन अचानक से मेरा गांव सामने आपके आएगा। ये मेरे गांव के कुछ लड़के हैं जो सरमथुरा जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, क्योंकि यहां आसपास में कोई बाज़ार नहीं है। यहां से कोई भी सामान आपको ख़रीदना है, कुछ भी लेना है, तो आपको सरमथुरा 7 किलोमीटर दूरी पर ही जाना होगा, और ख़ुद के व्हीकल से जाना होगा। यहां पर कोई बस नहीं चलती, कोई ऑटो नहीं चलता, कोई टैक्सी नहीं चलती। अब मैं अपने गांव में एंट्री कर गया हूं। ये सामने मेरा गांव है, यहां से गांव की शुरुआत होती है। इधर सीधा हाथ की तरफ पूरा गांव के लिए रास्ता जा रहा है, और ये मेरे घर के लिए रास्ता जा रहा है। यहां से मैं अपने घर के लिए मुड़ गया हूं, और ये स्कूल है गांव का, उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरा। यहाँ क्लासें 8th क्लास तक, यानी कि 8वीं तक यहाँ क्लास चलती हैं बच्चों की। 8वीं के बाद बच्चों को सरमथुरा ही जाना होता है पढ़ाई करने के लिए। ये स्कूल के बाद थोड़ा सा एरिया खाली है। अब यहाँ से आगे ये मेरे घर के लिए, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब जहाँ रहता है, मेरा खानदान जहाँ रहता है, उस क्षेत्र के लिए है, उस गलियों के लिए ये रास्ता है। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे ये सारे घर, ये मेरे चाचा ताऊ के हैं, ये सारे घर अपने हैं। ये सब लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हमारे, और ये घर देख रहे हैं, ये घर हमारा है। सामने हमारी हवेली है,